पूरे भारत में लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, वहीं झारखंड रांची में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि रांची के डोरंडा दरगाह स्थित मुशाफिर खान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को लेकर विशिष्ट व्यक्तित्व की याद में आयोजित इस शिविर में दर्जनों लोग ने अपने खून का दान किया। कोरोना काल में बीमार लोगों की मदद का जज्बा पैदा करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन नौजवान और डोरंडा नामक संगठन द्वारा किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपने रक्त दान किए। ये बहुत बड़ी एक कोशिश उनकी रही थी कैंप लगाने की, और इंशाल्लाह जो कामयाबी हुई, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अब इस दुनिया में ना रहे उनके नाम पर इन्होंने कैंप लगाया कि ताकि उनका नाम भी जिंदा रहे, और लोग जो इस कोरोना काल में लोग जो परेशानियों में झेल रहे हैं, इस बीमारी से झेल रहे हैं, मुसीबतों से, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हम लोग एक सदर अस्पताल में भी एक आयोजन किए थे ब्लड डोनेशन कैंप का, उसी से हम लोग प्रेरणा लेते हुए और हम लोग देखें कि अभी इस कोरोना काल में ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग ब्लड देने से कतरा रहे थे, तो ये हम लोग एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि कोरोना काल में भी आप लोग आए, और ये कैंप नहीं है, ये अब देखा जाए तो एक हम लोग एक जागरूक अभियान चलाए हुए हैं, और ये लगातार ये प्रयास रहेगा हम लोग का कि आगे भी हम लोग इसी तरह का कार्य करते रहें। राजीव ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।